TJ's e-business solution is the next stop for the Cobra Post reporter. Here, he meets Smita Thakre, the creative head, and Vipin Patil, the business head of the social media consultancy firm. After giving a patient hearing to the reporter's fabricated story, Vipin Patil offers to fabricate Facebook likes for our Netaji in a manner that appears genuine on Facebook. Patil proposes a slow start of the campaign on social media with about 1500 likes per day and gradually raising it higher. He says, "Din ka 1000, 1200, 1500 tak le jayenge. Thoda dheere dheere badhate jayenge." Further, he offers similar plans to boost Netaji's popularity on Twitter. ये आदमी ट्विटर में नहीं करेंगे अलग होंगे उसके लिए नहीं मतलब ट्विटर का भी टारगेट रख सकते क्योंकि क्या दो अलग अलग अच्छा अलग अलग चीजें होती दो मुझे मैं सोचा था कि ये बंदे ट्विटर भी कर देंगे नहीं वो भी कर बंदा वही करेगा हाँ बट ट्विटर और फेसबुक अलग अलग तो ट्विटर में आप कितने आदमी ले आएंगे हमारे लिए 2014 तक वो भाई हम वी कैन टारगेट कर देखो हाँ ठीक है ट्विटर पे कैसे थोड़ा कम हो जाता है तो 5 लाख हाँ 5 लाख तक पाँच लाख लिख लीजिए आप 5 लाख लोग वो हमारे बारे में हर एक मिनट बाद लिखेंगे कि ये बहुत बड़े आदमी है बहुत बड़े आदमी है ना करेक्ट उसमें कैसा है कि उसमें एक्चुअली मतलब ऐसे कुछ कॉल दिखा के ऐसे कुछ दिखा के वो आप करिएगा डाटा कुछ अगर चाहिए तो हमें डेटा में आपकी तरफ से लगेगा कि कुछ तो फोटोग्राफ्स है उनके फोटोग्राफ्स और सब तो वो डाला और तुरंत उस पर लिख देंगे कि बहुत बढ़िया काम किया जैसे कंबल बांटा या मान लो इन्होंने कहीं पर कोई चैरिटी करी तुरंत लिख देंगे कि इन्होंने बहुत अच्छा काम करा अभी सर यार कंबल बांटेंगे और उसमें तो ये जो मीडियम है ये थोड़ा ओपन मीडियम है तो उसमें हमको क्रिटिसिज्म फिल्टर भी करना पड़ेगा वो भी करना पड़ेगा उसमें क्या मतलब कैसे कि सपोज किसी ने लिख दिया कि मतलब अपोजिशन वाले तब तक किसी ने सपोज नेगेटिव कमेंट लिख दिया है ठीक है तो वो हमको फिल्टर करते रहना पड़ेगा मान लो हाँ वो हमारे बारे में गलत लिख देता है कि मंत्री चोर है हाँ, मतलब ये तो पहले घोटाला कर चुके हैं तो वो उसको हटाना पड़ेगा Patil warns his client about the possibility of negative criticism on the same platform that he intends to use for his campaign. He says that it is important to filter all online content. In his words, ये जो medium है ये थोड़ा open medium है. तो उसमें हमको क्रिटिसिज्म फिल्टर भी करना पड़ेगा हाउ डज वन डू दैट पाटिल एक्सप्लेन्स तो ये हमारी साइट पे आएगा या कहीं भी आ सकता है वो जो नेगेटिव वाली बात बता रहे हैं आप वो कहीं भी आ सकता है वो भी फिल्टर करेगा क्योंकि कई कई फोरम्स है कई ब्लॉग्स है तो सब नोटिस करेगा फिर वो हम नोट करते रहेंगे कि मतलब मंदिर जी का जो भी नाम रहेगा उनके नाम पर सर्च करते रहेंगे कंटिन्यूअसली अच्छा कहीं पे आ रहा है कहीं पे आ रहा है तो आप डिलीट मार देंगे राइट डिलीट तो नहीं मार सकते क्योंकि क्या है वो किसी और का प्रॉपर्टी होता है मतलब जैसा मैंने सपोज लाइक एग्जांपल आया जाना चालू कर दिया सपोज या कुछ अच्छा मतलब मैंने ये कर दिया कि मैंने कुछ लिखना चालू कर दिया तो मैं ऐसा कुछ लिखू जो उनके ऊपर आ जाए ताकि लोगों को ना आप मैनेज कर देंगे या फिर वहां जाके कमेंट लिखे कि बस ये तो आप गलत बोल रहे हैं तो हुआ ही नहीं है जैसे सपोज करिए मोदी जी के बारे में भी किसी ने एक लाइन लिख दी एकदम उनके ऊपर 2-3 लाख लोगों का अटैक हो जाएगा जो लिख देंगे एकदम तो वो अपना भी नीचे दब जाएगा वो कहना चाह रहे हैं सेम वही ऐसे बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया था एक कंपनी थी यूरोप की उसका टिकटिंग का बिजनेस था वो बहुत अच्छी तरह से उसका जो नेगेटिव कमेंट आया था वो धीरे धीरे ये करके पूरा मतलब दे वर वेरी हैप्पी वर्किंग जेन्युइन लगे मतलब ऐसे लगे कि आपने किया है Patil proposes countering negative content by bombarding the internet with favorable and desirable content.
Thackeray gives an example of a previous assignment for a European ticketing company where they were able to banish all negative feedback by proliferating the cybersphere with positive comments. For this purpose, the company will employ trained professionals with proven copywriting skills. मतलब वो चाहिए जो प्रोफेशनल हो स्टाफ के लोग हैं लिखने का स्टाइल ये तो कोई हम आप तो नहीं करेंगे आईटी के बंदे आप भी कैसे करेंगे तो प्रोफेशनल नहीं इसमें क्या होगा कि इसमें जो बंदे हैं जिनका कॉपीराइटिंग स्किल्स अच्छे होते हैं ठीक है को दिखा सकते हैं कार्टून बना के समझा सकते हैं कि इस तरह से मतलब ऐसा हो सकता है तो वो हम यूज कर सकते एक तरीका होता है जिसमें हम खुद अपने अचीवमेंट बताएं और एक दूसरा तरीका होता है जिसमें दूसरी पार्टी अपने जो ऑपोजिशन वाले उनका फेलियर जो लोग खुद ही कर रहे हैं मतलब सपोज करें जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया एक डाल ही रहा है उस पर राइट पे कोई डाल दिया तो वो हमने अपने फेसबुक पे भी प्रमोट कर दिया उस पर कुछ एडिशनल कमेंट डाल दिया तो लोग क्या है जैसी पिक्चर की बात आती है तो लोग तुरंत शेयर कर देते अच्छा वो शेयर भी और उस पे भी जितने भी हमारे ट्विटर वाले बंदे वो कमेंट कर देंगे कमेंट कर देंगे जो हमारे हमने वो 5 लाख या 2 लाख 4 लाख और लाइक्स वाले भी लाइक कर सकते हैं उसको Like most companies in the business of social media, Intezia's e-business totally exploits the browsing habits of the online community. They're almost psychoanalyzing their audience. Like Patil says, जैसे पिक्चर की बात आती तो लोग तुरंत शेयर कर देते स्पीकिंग ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रायल रेगुलेशंस पाटिल प्रपोजेस एन अल्टरनेटिव प्लान ऑफ सेंडिंग आउट कैंपेन मैसेजेस फ्रॉम आउट ऑफ द कंट्री अगर ये भी कोई कंडीशन है तो उसका आप अभी रखिए उसके लिए तरीके की दूसरे साइट से एसएमएस जाने से अगर ऐसा कर सकते हैं यहीं से करा दो या कहीं और से करा दोगे आउट ऑफ कंट्री से करवाना पड़ेगा तो वो उसका अगर खर्चा पड़ेगा तो वो खर्चा लिखिए आप अगर मान लो ऐसी सिचुएशन आ जाती है वर्स सिचुएशन तो उसका प्राइस लिखिए आप इमरजेंसी समय हाँ अगर मान ली इंडिया से जाते तो कितने का पड़ेगा वो मतलब अलग अलग पैकेजेस है अपना जो इसमें जाता है तो कम उसके बताइए इंडिया में और अगर अब्रॉड से कराते हैं तो ज्यादा कितना पड़ जाएगा 20-25 पैसे के ऊपर जाता है 20-25 पैसा तो और वैसे 7 पैसा बता रहे हैं आप Patil will not desist from engaging in negative campaign to promote his business. For this, he is willing to work around the restrictions of the Election Commission. Check out the effortless ease with which he becomes partner in crime to the undercover reporter's ulterior motive. उसमें हमको मतलब पहले से मतलब आपका जो लीगल टीम रहेगा उनसे भी बात करके रखनी पड़ेगी कि एसएमएस के मैसेजेस में क्या अलाउड है और क्या नहीं मतलब इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जेक्शन ना लो मतलब मैं कुछ ये करूँ मैसेज करूँ जिसमें इलेक्शन कमीशन को अगर ऑब्जेक्शन है तो उसका क्या बाईपास है तो रहता है तो लॉयर बराबर से बोले तो आप पूरा नाम लिखो ही मत हाँ आप लोग लिखो तो सुंदरलाल जी को मत दीजिए वोट दीजिए बस इसमें लिख देंगे वो है तो वो बोल नहीं सकते कि ये लिखवा सकते हैं कि जैसे मान लो विपक्ष वाला है कि ये चोर है इसको वोट ना करें इन्होंने ये काम किया है ठीक है ना वो लास्ट टाइम पे इलेक्शन से एक दिन पहले So Intezia's e-business is willing to malign the reputation of our fictitious Netaji's opponent as close as one day before the elections. For any kind of content and promotion, Patil has another option. He proposes using influential public figures to gain some traction with the young online audience. उनको पैसा देके उनसे प्रॉपर अच्छे वर्क लिखवा सकते हैं अच्छा उसमें फेसबुक नहीं लिख सकता नहीं उसमें क्या लिख सकता मतलब उसमें क्या होगा कि उसके खुद के फॉलोअर होते हैं तो उसके अगर फॉलोअर है जो एकदम जेन्युइन उसके फॉलोअर्स है उसके बारे में लिख क्या है तो वो जब बंदा लिख रहा है सपोज जैसा एक एग्जाम्पल देता हूँ सपोज चेतन भगत किसी के बारे में लिखते हैं तो वो अभी कैसे यंग जनरेशन में एकदम फेमस है तो वो अगर किसी को प्रमोट कर रहे हो ऑफकोर्स मतलब इनडायरेक्टली प्रमोट करे तो उसका जो वेटेज होता है वो ज्यादा होता है राधा धन सॉरी ये मैं शायद इंडियन पीपल इन्वॉल्वड इनटू दिस
तो इसमें जो पेमेंट होगा वो फेसबुक को या जो भी होगा वो आप इसमें इंक्लूड करेंगे, वो हमारी तरफ से होगा, आप इसमें इंक्लूड करेंगे ना, हमारी तरफ से तो कुछ नहीं होगा ना, कल को ठीक है, और ट्विटर के लिए मैम हम बता देंगे पेमेंट हमारी तरफ से जाएगा, आप ट्विटर में हमारा काम करने की जरूरत है। आपका एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे सपोज सिगरेट कंपनीज है जो इंडिया में अलाउड नहीं है, तो उनका फॉरेन एंटिटी फॉरेन कंट्री से एड हो जाए, वो तो इंडिया के लिए ही है बट फॉरेन कंट्री से करना पड़ता है, तो वो यानी कैसे, मतलब मान लीजिए टैग नहीं है उस पर नीचे लिखा धूम्रपान करना निषेध, ठीक है, तो कैसा है कि डायरेक्टली लाइक हम स्मोकिंग कर नहीं ले सकते, बट एक गेम बना है जिसमें वो स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उसके पैक पे सपोज फोटो है, ओके, जैसे गोल्ड प्लेटा वहां पे फोटो है, तो वो जो एड है वो इंडिया में आप डाल दे नहीं सकते, मतलब इंडिया से डाल नहीं सकते, वेबसाइट पर डाल नहीं सकते, तो वो हम बाहर से उसको डाल, अरे यूएस से उसको डाल के यही इंडिया में चलवाते हैं, तो उससे भी प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं उससे सी प्रॉब्लम क्या है कि जो इंटर कंट्री जो ये होता है उसमें ऐड हमारे यहाँ चलता रहेगा, वो लोगों को हमारे सामने में डालता रहेगा, लेकिन वो वहां से डाले, जब तक गवर्नमेंट उठेगी उसको बैन करने जाएगी तब तक अपना बहुत प्रचार हो जाता है। तो दूसरे भी चैनल्स है, मतलब चैनल अगर नहीं चलता है तो फोन पे जाए वाली चीज, पर जो इंटरनेट के जरिए जा रही है वैसे मैसेजेस भेज सकते हैं। तो सर बताइए, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कैसे हुआ उसे, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप होता है, Patil informs his client how some campaigning activity can be conducted from outside the country since Indian laws are extremely prohibitive. But with the use of applications such as WhatsApp, one is not dependent on even the TRAI regulations. The reporter leads Patil out of his office to understand an intricate detail. How exactly does one maintain anonymity in an age where all online activity is closely monitored? इंटरनेट का भी कनेक्शन लेते होंगे, हाँ, तो फिर वो पता नहीं चल जाएगा। नहीं, क्या होता है कि सर्वर, मतलब थोड़ा तो उसमें चांस होता है पकड़े हुए, बट ऐसा होता है कि ये जो है, मतलब VPN सर्वर जो होते हैं, तो एक्सेस जो है वो सर्वर से उधर से किया जाता है। ओके ओके, नहीं तो हैक कर लेंगे, हैक करके कैसे, हैक करके नहीं, वहाँ जाके ट्रेस करेंगे, या फिर कैसे करने का कि कोई मतलब वहाँ का एजेंसी जिसको पकड़ के वो वहाँ से ही पोस्ट करें, या फिर ओके उसको पेमेंट चली जाएगी, राइट, ये सही है, ये सही है, उसका भी अच्छा है, देखो ये वाला तो काम हम करेंगे, वो वाला भी काम आप निकाल के रखेंगे। The business head of Integer's e-business says that all his activity relating to this campaign will be ported to overseas servers. Patil suggests that the content can be physically carried to international locations and relayed from there. Now, that is an impressive manner of wiping out digital footprints, especially when the digital activity falls outside the provisions of the law of the land. TRAI can keep setting its regulations and the Indian government can keep framing its laws. Social media companies such as Integer show that where there is an unethical will, there is certainly a convoluted digital way.